दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड से होने वाली मौतें अब डराने लगी हैं। पिछले 24 घंटे में 2700 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2726 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में ये इस साल 2 फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अधिक केस हैं। वहीं इस दौरान 6 और लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 14.38% दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने बीते करीब 6.5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 2 फरवरी को 3028 केस सामने आए थे। सक्रिय मरीजों यानी एक्टिव केस की संख्या गुरुवार को 8840 पर पहुंच गई है, जो बीते करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 6 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या 8869 थी। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 5591 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना के 523 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 263 हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 26,357 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया था और कोरोना काल में लगी पाबंदियों को फिर से लागू किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक इस प्रावधान के तहत निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।